अब आपको दिखाया जाएगा, इसमें कचले सप्लाई पहले किया जाएगा, फिर जो है देखिए ट्रक वॉशिंग कैसे किया जाता है और किस हिसाब से किया जाता है। धूप की वजह से जो है दिन, क्योंकि चौड़ा कीजिए उसको, चौड़ा कीजिए, आगे आगे सादा वाला घुमाइए, चौड़ा होगा घुमाइए, देखिए ऐसे ही आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। समूचे में पहले टचले सप्लाई कर दीजिए, इसका क्या किए हैं कि जाली निकाल दिए हैं, वो जो ऑर्थस का जो जाली आता है ना वो निकाल दिए, बार बार जाम हो जाता था क्योंकि ट्रक का काम है कभी नीचे कभी ऊपर, रखने के बाद जो है ख़राब हो जाता है, जाम हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट ही चल रहा है, इसलिए फॉर्म कम कर रहा है, सिर्फ भाग कम बना रहा है। क्या नहीं जा रहा ना, वो एक दूर का माल है, रस्ट रिमूव का वो केमिकल लाए ना, ये जो ये पेंट रिमूव जो करते हैं ना उसका केमिकल लेके आए थे, तो वही डब्बा में भर के लाए थे, तो डब्बे के हिसाब से वो खरीदा जाता है ना, तो वो सब उसमें डाल लिए, ड्रम में डाल दिया, खाली डब्बा को रूम में रख देंगे। पानी ना मत मार देना, ठीक है, इंजन में पानी नहीं मारना, ना ना बाबू इंजन में पानी ना मारी, अभी जो अप्लाई किया गया टचलेस वो छोटी मशीन थी, बाइक को हटा देते हैं। अभी एक साइड मारा गया है, दूसरा साइड अभी टचलेस नहीं मारा गया है। कोई अभी तक ऐसा नहीं है किसी का हेल्प करने अपना घर द्वार छोड़ के आया हो। तो वीडियो को लाइक कर देंगे इसी बात पे, क्योंकि गाड़ी आप लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए कितना आराम से साफ हो रहा है। ये सब गाड़ी तो कम गंदा है, लंबा रड बनाइए, सब अटैचमेंट साथ में रखिए, तब देखिए फिर वॉशिंग का। ये जेटिंग रड है, जेटिंग पाइप है, देखिए कैसे सामने वाले को जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा पाइप ऑटोमेटिक बिना खींचे ही आगे बढ़ेगा, इतना ये हल्का होता है ना, कहने की बात नहीं, देखिए वो आगे बढ़ेगा और पाइप भी हमारा आगे बढ़ेगा, यानी खींचने वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे वो मूव करेगा देखिए पाइप अपने आप जा रहा है, और उतना प्रेशर लोड है जिसमें पाइप में, कोई तरह का पाइप को दिक्कत भी नहीं है।
बॉडी क्लीन हो गया। यहाँ सिर्फ कार का ही धुलाई होता है, लेकिन कार का भी स्टार्ट करवा देंगे। कार में लोग को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि लोग को सिर्फ दिमाग ही नहीं था, कार में ज़्यादा फायदा है। लोग सोच रहे थे कि ट्रक में ज़्यादा फायदा है। देखिए कैसे आप जाएगा, देखिएगा रिम का गंदा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। लगती हो शरमाई हुई सी, अभी 7 मिनट हो गया है, लगभग आधा गाड़ी जो है 10 मिनट लोग ज़्यादा लेट से लेते हैं। थोड़ा समय हम अकेले धोएंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। थोड़ा सा गन चलाने का तरीका मालूम नहीं है, गन कंट्रोल कैसे किया जाए। फिर भी इनके लड़का बहुत जल्दी सीख गया, ये उनके लड़के हैं जो धो रहे हैं अभी गाड़ी, उनके लड़के हैं, हो गए हैं थोड़ा सामान रखने। वो आएंगे फिर छोटी मशीन लेकर के वो करेंगे। कैमरा लेके यहाँ आए नहीं है, इसलिए कितना सामान लेके आएंगे। शरीर भी है कैमरा चलाने के लिए, काम सिखाने में और रखने में सब में जो है ज़रूरत पड़ता है, तो उस हिसाब से चलना चाहिए। अभी जो आप वीडियो बन रहा है ये मोबाइल से ही बन रहा है, एक जगह स्टैंड कर दिए हैं इसको। देखते हैं अकेले कितना देर में ये धोता है गाड़ी। 9 मिनट तो हो गया है। हाय किसी को हिम्मत इतना हेल्प करने के लिए। उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं, हेल्प करने वाले कम होते हैं। एक हेल्प होता है कि मैं मशीन देता, चलो मेरा फायदा रहता। मैं मशीन भी नहीं दिया, इन्हीं का मशीन को मैं चालू किया हूँ। और इन्हीं का चालू करने सिर्फ हम एक छोटी मशीन पोर्टेबल लेके आए। और गाड़ी है, इससे पहले कि याद तू आए
मेरी आंखों में फिर लहू आए, खुद से रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। अब उधर चलना है, अब जो है वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि दूसरी गाड़ी आ गई है और जल्दी बाजी में काम करना है, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने से नहीं होगा। हेल्प करने आए तो पहले हेल्प होना चाहिए, वीडियो तो बनते रहेगा तब तक हम जूम करके आपको दिखाते हैं। क्लीनिंग देख लीजिए, देख लिए क्लीनिंग पूरी गाड़ी का, यहीं से क्लीनिंग दिखा देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सामान लेना होगा तो हमसे संपर्क करेंगे। जय हिंद, जय भारत।